मध्य प्रदेश के सतना में विधानसभा चुनाव से पहले डकैतों के मूवमेंट ने पुलिस की टेंशन बढ़ा दी है। हथियारबंद डकैतों ने मंगलवार को चित्रकूट सतना स्टेट हाईवे पर बगदरा घाटी के जंगल में फॉरेस्ट विभाग के रिटायर्ड एसडीओ सहित तीन को अगवा कर लिया। इतना ही नहीं, बगदरा घाटी के सड़क निर्माण कार्य में लगे बिहार के 8 मजदूरों की पिटाई भी की। सूत्रों की माने तो अगवा लोगों को छोड़ने के लिए डकैतों ने 50 लाख की फिरौती मांगी है। अपहरण की वारदात में 1 लाख के इनामी डकैत लवलेश कॉल और 5 लाख के इनामी बबली कॉल गिरोह का हाथ बताया जा रहा है। डकैतों की तलाश में आईजी डीआईजी के साथ करीब 150 जवान तराई में उतर चुके हैं। डकैतों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब फॉरेस्ट विभाग के रिटायर्ड एसडीओ रामाश्रय पांडे, रिटायर्ड क्लर्क सुरेश सोहगुरा और ड्राइवर मुन्ना के साथ सतना की ओर आ रहे थे। उसी दौरान डकैतों ने कार पर फायर कर गाड़ी रोकी और कार में सवारों का अपहरण कर लिया। पांडे चित्रकूट से आंखों का इलाज करा अपने दो अन्य साथियों के साथ लौट रहे थे। डकैतों ने एक अपहृत सुरेश सोहगुरा के मोबाइल से उनके भतीजे के मोबाइल पर कॉल कर 50 लाख की फिरौती की डिमांड की, जिसके बाद मोबाइल बंद कर दिया गया। डकैतों का निशाना सड़क निर्माण करवा रहे ठेकेदार पर था। ऐसे में उसने सड़क निर्माण में लगे मजदूरों को भी पीटा। ठीक सर, उधर उन लोग उधर गया मारुति वाले पकड़ के तीन आदमी को। हम लोग तब तक धीरे धीरे यहाँ से निकल आए, अपने गाड़ी आने लगे रूम पे, बस आ गए भागते इसी तरह। हथियार क्या लिए थे? हथियार वो बड़ा वाला था सर, बंदूक सबको था, बेल्ट था बांधा हुआ, 6-7 लोग थे। उनमें कोई लेडीज भी थी? नहीं, लेडीज नहीं। उधर से आ रहा था चित्रकूट तरफ से, फिर वो गाड़ी के पीछे मिलर जो था ना अपना, उसके पीछे वो मिलर को जब ड्राइवर को मार मार के उतार लिया तो उसके पीछे वो गाड़ी रह गया, तो उसी में से खींच के ले गया वो तीनों को उधर। हम लोग तब तक इधर निकल गए। इधर दिन दहाड़े हाईवे पर अपहरण की घटना के बाद पुलिस की सांसें फूली हुई है। सतना एसपी संतोष सिंह गौर का कहना है कि थाना मझगवां में तीन लोगों के अगवा होने की एक FIR दर्ज हुई, इस संबंध में सर्चिंग जारी है। एक FIR दर्ज हुई है जिसमें तीन लोगों को अपहृत किया गया है और इस संबंध में हमारी सर्चिंग जारी है। अभी इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है, अभी हम लोग अपने प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में अभी हमें कुछ बताऊंगा नहीं, अभी हमारे पास कोई आधिकारिक ऐसी सूचना नहीं है। अगवा करने की घटना SAF पोस्ट से 5 किलोमीटर के फासले पर बताई गई है। चुनाव आचार संहिता के बीच अंतर्राज्यीय सीमा पर दिन दहाड़े डकैतों के इस दुस्साहस से पुलिस भी चकरा गई है। फिलहाल देखना यह होगा कि पुलिस डकैतों तक पहुंचकर कब तक अगवा लोगों को सकुशल छुड़वा लाती है। सतना से योगी तारा की रिपोर्ट।